नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडीएटा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 15 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछले करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन ने। ये जो है वो अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, इसने कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल था उसको फिलहाल के लिए जो है वो रोक दिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो मालदीव जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मालदीव जो है वो और भारत, इसने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन जो है वो किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला 44 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण जो है वो किया है। और जो BRO है उसने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो भारत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान जो है वो हो सकता है, ये उसने रिपोर्ट में जो है अपनी बताया है। 5वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन कार्लटन चैंपमैन जो है वो सही हो जाएगा। तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे कार्लटन चैपमैन, इनका 49 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 देखते हैं, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका 129वां स्थान सही हो जाएगा। इस प्रकार के रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत जो है वो रखा जाएगा, उसी को ग्रे लिस्ट करके यहाँ पर लिखा गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी 13 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये कब से शुरुआत हुई है, तो 1989 से जो है वो शुरुआत हुई है। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि नहीं सी नहीं आपका बी वाला बांग्लादेश जो है वो सही हो जाएगा। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के जो मामले हैं इनके लिए मृत्यु दंड देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही थी लगातार, इसीलिए हाल ही में राजधानी जो ढाका है और अन्य जगह हैं उन पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे। और इस साथ ही में एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी मानवाधिकार की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट, उसके अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं फैसला लिया गया। तो बांग्लादेश आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा जो है वो शुरू की है। इस टाइप की
जो योजनाएं होती है काफी पूछी जाती हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हरियाणा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने जो जल की गुणवत्ता है उसके परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला जो है वैन, उसकी शुरुआत जो है वो की है। उसी को हम मोबाइल वैन के नाम से भी कह सकते हैं। ये जो आपकी वैन है इसमें सेंसर और विभिन्न प्रकार के उपकरण सारी चीजें जो है वो लगी हुई हैं। और एक लक्ष्य भी रखा गया, वो लक्ष्य क्या है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास जो है उसमें नल द्वारा जल जो है वो प्रदान करना, नल द्वारा जल प्रदान करना। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो कल के करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है, किस पर्पज से लॉन्च की थी वो मैंने आपको बता दिया था कल ही। तो चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या पंजाब। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की, तो उत्तराखंड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। छोड़ में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।